फाइवर पर एज अ फ्रीलांसर कैसे शुरुआत करनी है, फाइवर पर मुझे अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, फाइवर क्या एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है तो फिर इसे मार्केट प्लेस क्यों कहते हैं, मैं फाइवर पर ऑर्डर कैसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मैं अपना प्रोफाइल कैसे बना सकता हूँ, फाइवर पर गिग किसे कहते हैं और मुझे कौन सा स्किल चाहिए फाइवर पर एज अ फ्रीलांसर शुरुआत करने में। डू यू नो, एक आदमी है जो फाइवर पे बफेलो यानी कि भैंस के साथ में अपने वीडियोस बनाता है और हैप्पी बर्थडे वीडियोस बनाता है और सिर्फ $5 उसके चार्ज करता है और अभी तक उसके पास 250 ऑर्डर आ चुके हैं। जब मैंने ये देखा था फाइवर पे तो मैं भी बहुत हैरान हुई थी। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं इनका प्रोफाइल, इनके सैंपल्स और किस तरह से इनके पास अभी तक 250 से ज्यादा हैप्पी बर्थडे वीडियोस बनाने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब ये पता नहीं जिस भी इंडिया के गांव से आते हैं लेकिन इन्होंने फाइवर का वो एक तरीका निकाला है जहां पर ये बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। $5 वैसे कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है लेकिन $5 पे अगर आपको 250 ऑर्डर आ चुके हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना पैसा बन चुका होगा। हाय, मैं हूं आकांक्षा, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं, ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूं, फाइवर अपवर्क गुरु.com freelancer.com यहां से मैं एज अ वीडियो स्पोक्स पर्सन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की तरह फ्रीलांस काम करती हूं और मेरे चैनल पर आप एज अ फ्रीलांसर कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके कुछ अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाती हूं। दैट्स व्हाई आई कॉल मायसेल्फ फ्रीलांसिंग फीमेल। ऐसा नहीं है, मैंने 12-13 साल एज अ रेडियो जॉकी काम किया है एक रेडियो स्टेशन में, 3 साल मैंने एज अ टीवी एंकर काम किया है, लेकिन जब से मैंने फ्रीलांसिंग काम करना शुरू किया है देन आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को सिर्फ दो ही लोग समझ पाए हैं, एक मैं और एक ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं जो भैंसों के साथ वीडियो बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल लेके देखिए, मैं आपको सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात बता देती हूँ। फाइवर जो है, अक्सर लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि फाइवर को यूज कैसे करना है। आई अग्री, freelancer.com, upwork.com, guru.com और भी ऐसी जो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिन पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं कौन सी 14 अमेजिंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। उनमें से फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जो एक्चुअली में यूज करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको आज के वीडियो में सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि फाइवर को कैसे यूज किया जाता है। नंबर वन, वो कौन से स्किल्स हैं जिनके बेसिस पे आपको फाइवर पे अपना अकाउंट बनाना चाहिए और किस स्किल में बनाना चाहिए। देखिए, फाइवर जो है बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीलांसिंग स्किल्स को प्रमोट करता है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। कैसे? जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डेटा एंट्री अभी इन्होंने नया लॉन्च किया है, बिजनेस और उसके अलावा लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में कौन से वीडियोस आते हैं? इन भाई साहब के जिन्होंने भैंस के साथ में वीडियो बनाया हुआ है, हैप्पी बर्थडे गिग्स तैयार करते हैं। इस पे हम आते हैं गिग। तो फाइवर पर जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका स्किल है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ग्राफिक एंड डिजाइन हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है जो प्रोग्रामिंग एंड टेक में आता है, कॉन्टेंट राइटिंग हो सकता है, उस पे जो भी सैंपल्स आप तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं गिग। ओके, GIG गिग। इसके अलावा फाइवर को मार्केट प्लेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जनरली सेलर्स, जिन्हें कि फ्रीलांसर कहते हैं, जैसे कि मैं सेलर, मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट करूंगी, बायर यानी कि वो क्लाइंट्स और बायर जो कि काम देने वाले हैं वो भी अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं एज अ बायर। ओके, दोनों लोग अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बायर्स के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है लेकिन प्रोफाइल क्रिएट करके ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब इस तरह से वो सर्च करते हैं सेलर, लेकिन फाइबर में सेलर्स जो हैं वो बायर्स को इतने अच्छी तरह सर्च नहीं कर सकते हैं जितना बायर सेलर्स को सर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मार्केट प्लेस है। जैसे कि हम एक मॉल में जाते हैं तो दुकान होती है, तो हम दुकान में जाते हैं ना जो भी सामान हमें खरीदना होता है, ऐसे ही बायर सेलर के पास आता है जब भी उनको कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है, ये मैक्सिमम होता है। हालांकि इसमें एक सेक्शन है बायर रिक्वेस्ट करके जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, यहां से भी आप बिड प्लेस कर सकते हैं। बिड प्लेस करने का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो भी गिग है यानी कि सैंपल है
वो भेजकर आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है फाइवर के बारे में। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है फाइवर के जो सेलर्स के लेवल है, लेवल वन, लेवल टू, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त मार्केट में बज में है, फाइवर प्रो। व्हाट इज फाइवर प्रो? सो फाइवर प्रो बेसिकली प्रो के से ही समझ में आ रहा है कि वो सारे सेलर्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो फाइवर प्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन फाइवर पे आप नया अपना अकाउंट बना रहे हैं, डोंट वरी, आप फाइवर प्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगी, पार्ट टू ऑफ फाइवर, जिसमें मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगी कि कैसे आप फाइवर पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे सैंपल्स अपलोड करेंगे, कैसे आपको इसकी सेटिंग्स करनी है, कैसे इसका SEO काम करता है, एंड फाइवर प्रो के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वो ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी इसके बाद अपना जो लॉन्च करूंगी, जिसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर ही, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। अभी के लिए जो मैंने आपको मोटी मोटी बात फाइवर की बताई है वो समझने से अब मैं आपको तीन चीजें तैयार करने के लिए कहूंगी। नंबर वन, आपका जो भी स्किल्स हैं, मेजर स्किल्स हैं, उनको प्लीज आप राइट डाउन करें, यानी कि टॉप तीन स्किल्स। टॉप तीन में आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि फाइवर में कैटेगरीज में सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी में ही आर्टिकल है, ब्लॉग है, प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग है, वेबसाइट कॉन्टेंट है, बुक राइटिंग है, इसके अलावा UX राइटिंग है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस राइटिंग, कवर लेटर्स हैं। अब इसमें से आप कम से कम तीन या चार ऐसे कुछ अपने स्किल्स को स्पॉट कीजिए जो आप इस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, आपको क्या करना है, आपके उन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सैंपल्स तैयार करने हैं। देखिए, जो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, ये जब आप सैंपल अपलोड करेंगे, जो मेरे ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी, उसमें वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सैंपल अपने तैयार कीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट कंटेंट बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो किसी भी वेबसाइट के लिए अगर आपने कंटेंट राइटिंग की है तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स या उसका लिंक होना चाहिए आपके पास। अगर आप रेज्यूमे राइटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो कोई भी एक या दो सैंपल होने चाहिए। कवर लेटर अगर आप बहुत अच्छे लिख लेते हैं, UX कॉपी राइटिंग यानी कि यूजर एक्सपीरियंस कॉपी राइटिंग की आपने कोई कॉपी की है, किसी क्लाइंट के लिए काम किया है, अगर नहीं किया है तो आप सैंपल्स भी इसके बना सकते हैं। ओके, इसके सैंपल्स बना के रेडी रखिए। और तीसरी चीज, मेक श्योर कि आप इन द मीन वाइल PayPal पे आपका एक अकाउंट बनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने जितने भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो रेडी रखें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो बैंक अकाउंट है वो स्विफ्ट कंप्लायंस होना चाहिए, यानी कि आप IFSC कोड दे सकते हो ताकि पैसे ट्रांसफर हो सके। ये सारी चीजें रेडी करके रखिएगा और मेरा फाइवर का ट्यूटोरियल मैं जल्द ही पब्लिश करूंगी, जिसे देखकर आप मेरे साथ अपना फाइवर पर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको तैयार करने के लिए कहा है उसकी लिस्ट मैंने नीचे वीडियो डिटेल में ऐड भी कर दी है, तो उन सबको भी आप रेडी कर लीजिए। आई होप फाइवर पर मेरा ये जो गिग है, यानी कि आज का जो वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो प्लीज उन्हें जरूर से देखिए। गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।